ये क्या है? ओह, मेरी ज़ॉम्बी फ्रेंड मजे कर रही है। हमारी ज़ॉम्बी बीमार है। क्लेमेंटाइना 3 दिन से सो रही है। उसे कुछ नहीं उठा पा रहा। बेन की वैम्पायर स्टोरी भी नहीं। कुछ तो गलत जरूर है। मुझे अपनी स्लीपिंग ज़ॉम्बी ब्यूटी को उठाना ही है। बेन के पास प्लान है। सेरेमिक मग को एयर ड्राई क्ले में रैप करें। इसे ज़ॉम्बी के चेहरे का शेप दें। आई सॉकेट में एक आंख डाल दें। दो दांतों की शेप बनाएं। जब ये सख्त हो जाए तो इस पर एक्रिलिक पेंट करें। प्लास्टिक स्पून का ऊपर का हिस्सा काट दें। टूटी हुई डॉल की छोटी बाजू इस पर चिपका दें। क्लेमेंटाइना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारे फेवरेट डर्ट कोकोआ ज़ॉम्बी मग में। इसे सूंघो, ये बहुत अच्छे हैं। ओह, ये हेल्प करेगा। फूट गई। यम्मी। अच्छू। लेकिन क्लेमेंटाइना चीख रही है। ज़ॉम्बी दूसरों को भी एलर्जी कर देंगे। ये अच्छा नहीं है। हमें तुम्हारी हेल्थ की केयर करने की जरूरत है। ज़ॉम्बी फर्स्ट एड। ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए। ओह, ये रहा। ये ज़ॉम्बी एंटीबायोटिक है जो एक बड़ी सिरिंज में है। ये जरूर मदद करेगा। टूटे हुए पंप का प्लंगर काट लें। इसे क्लियर फ्लास्क पर चिपका दें। जॉइंट को ग्रे फोम पेपर के साथ सजाएं। मार्कर के साथ हैच मार्क के निशान बनाएं, जिससे ये सिरिंज जैसा दिखे। वुडन स्क्यूअर के टुकड़ों को एक्रिलिक पेंट से कलर करें। फोम पेपर का सर्कल इस पर लगाएं। इसे सिरिंज पर नीडल की तरह चिपका दें। क्लियर ग्लू को लॉन्ड्री डिटर्जेंट के साथ मिक्स करें। इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालें और लाइट ग्रीन एक्रिलिक पेंट। स्लाइम को मिक्स करें। इसे फ्लास्क में डाल दें। टॉप पर ज़ॉम्बी स्टिकर लगा दें। ओ नहीं! होली एपोकलिप्स! मैं शॉर्ट से नफरत करती हूँ। शांत रहो क्लेमेंटाइना। ये सिरिंज नकली है। ये सिर्फ कुछ मजेदार स्लाइम है। इसे बाहर निकालो। स्लाइम तुम्हें शांत करेगी। हो सकता है तुम्हारी बीमारी दूर हो जाए। अच्छी! या नहीं, मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होगा और ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएं। बाहर जाकर आर्ट बनाना मदद करेगा। जंगल, कैनवस और बहुत सारी इंस्पिरेशन। शांत हो जाओ और कुछ बनाओ। लेकिन क्लेमेंटाइना ये नहीं कर पा रही। उल्टा वो और ज्यादा परेशान हो गई। मुझे पता है इसमें क्या मदद करेगा। एक ज़ॉम्बी आर्टिस्ट किट। स्कल और बोन का टेम्पलेट कैनवस पर लगाएं। एक्रिलिक पेंट से टेस्ट ट्यूब में डालें और इस पर रेडिएशन वार्निंग के निशान वाला स्टिकर अटैच करें। कैनवस पेंट रोलर ज़ॉम्बी स्टिकर के साथ और टेस्ट ट्यूब पेंट के साथ एक बॉक्स में डालें। इस पर ज़ॉम्बी टेप के साथ ढक्कन लगाएं। ये बहुत अच्छा आइडिया है बेन। मुझे ये ही चाहिए था। क्लेमेंटाइना को स्कल और बोन से प्यार है। अब वो दिखाएगी कि ज़ॉम्बी आर्ट दरअसल क्या है। अच्छू! आओ पेंट ट्यूब को तोड़ें और पूरे कैनवस को कलर करें। देखो ये कैसा निकला है। टेम्पलेट को निकाल दें। वाह, ये क्लेमेंटाइना के ग्रैंडमा का फोटो है। ये उसके जैसा दिखता है, जैसे एक छिलके के दो मटर। क्लेमेंटाइना बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही है। चलो चलें। उसे फिर से गंदगी मिल गई। वो ज़ॉम्बी के लिए कब्र खोदना चाहती है। हे क्लेमेंटाइना, अपने हाथों को गंदा करना बंद करो। अगर तुम्हें गंदगी इतनी ही पसंद है तो ये स्ट्रेस रिलीविंग कब्र ले लो। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को एक्रिलिक पेंट से रंग दें और एक्रिलिक पेंट को मिक्स करें, जिससे वो मिट्टी जैसा दिखाई दे।
रेत को पार्चमेंट पेपर पर सुखा लें। मोटे कार्डबोर्ड से टॉमस्टोन का टुकड़ा काट लें। इसे एक्रिलिक पेंट से कलर करें और मार्कर की मदद से लेबल करें। कनेटिक सैंड को बॉक्स में डाल दें। टॉमस्टोन में इसे डाल दें। नकली घास के साथ इसे सजाएं। वो मेरी अपनी कब्र। इस कब्र की मिट्टी को छूना बहुत संतुष्टि देता है। ये कब्र हमारी जोम्बी को ही नहीं शांत कर रहे, बैन को भी शांत कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा सुखी रहे। तुम छींक रही हो स्ट्रेस से होने वाली एलर्जी से। पुरानी हड्डियाँ इसमें मदद करेंगी। नम नम नम, मुझे ये पसंद है। ईयू, इसे थूक दो। ये बिल्कुल मार्केस है। सजावटी बोतल में भारी बीट्स डालें। बीटल को हॉट ग्लू के साथ स्टिक से जोड़ें। उस टुकड़े को लाइट ले से लपेटें। बोन के शेप दें। एक्रिलिक पेंट से रंग दें। लाल धागे को इसके जिंगलिंग पार्ट पर लपेट दें। दो मराका बोन्स बनाएं। आओ एक प्राचीन आराम करने वाली सेरेमनी करते हैं बोन मराकास के साथ। इस तरह ऐसा लगता है ये काम कर रहा है। ज़ॉम्बी ट्रेंस स्टेट में जा रही है। शांत रहो, ये ठीक है। अच्छा, ओ नहीं, इस चीख ने तो बेन को गिरा दिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं बेन को कैसे उठाऊं? मेरे पास आइडिया है। ये ज़ॉम्बी स्क्वीशी मेमोरी फोम के टुकड़े पर ज़ॉम्बी ट्रेस करें। इसे काट लें। ग्रीन रबर पेंट से हाथ और चेहरे को कलर करें। रंगीन फेल्ट और फोम पेपर से इसके कपड़े बनाएं। मार्कर से कपड़े पर डिटेल्स बनाएं। ज़ॉम्बी पर गोंद से लगा दें। मार्कर की मदद से फेस आउटलाइन करें और फोम पेपर से टुकड़ों को जोड़ दें। आईज को कलर करें। पिंक मेकअप स्पॉन्ज से ब्रेन काटें। इसे कैंची से काटें और कलर करें। ब्रेन को ज़ॉम्बी के सर के छेद में डाल दें। मैं ज़ॉम्बी का इस्तेमाल करके पेन को एक्सटर्नल कार्डियक मसाज दे रही हूँ। ये काम कर रहा है। बेन उठ गया। स्क्विशी आपको शांत करती है, लेकिन मेरी एलर्जी प्रॉब्लम उसी तरह बुरी है। लगता है बेन को भी इन्फेक्शन हो गया। अब क्लेमेंटाइना की बारी है अपनी दोस्त को बचाने की। यहाँ सब कुछ है जो तुम्हें पसंद है। चाय, बर्गर, मसाले। कुछ मदद नहीं कर रहा, तो आंखों से कुछ स्पेशल स्लाइम ट्राई करें। क्लियर ग्लू को जेल लॉन्ड्री डिटर्जेंट, कुछ पानी, बेकिंग सोडा और लाल फूड कलर के साथ मिक्स करें। स्लाइम बनाएं। इसमें गुगली आंखें डालें। स्लाइम को जार में डाल दें। इस पर ढक्कन लगाकर इस पर ज़ॉम्बी स्टिकर लगा दें। बढ़िया, ज़ॉम्बी स्लाइम ज़ॉम्बी बीमारियों को ठीक करता है। ये मुझे घूर रहा है, ये बहुत मजाकिया है। उप्स, माफ करना क्लेन। मैं चीख मारने से अपना ध्यान हटाना चाहती हूँ। पढ़ाई इसमें मदद करेगी, लेकिन क्लेमेंटाइना को मुक्स बिल्कुल पसंद नहीं। वो इससे स्ट्रेस में आ जाती है। इस हिप्नोटिक ज़ॉम्बी ग्लोब के अंदर देखो। टूटी डॉल्स के बाजू काट लें, अलग अलग लंबाई की बनाएं। सबसे लंबी वाली बीच में लगाएं। क्या आपको स्टैंड पर लगाएं? हॉट ग्लू को एक्रिलिक पेंट से कलर करें। स्टैंड और कैप को एयर ड्राई क्ले से ढक दें। आर्टिफिशियल टहनियों और घास से इसे सजाएं। इस पर टेक्सचर करें। गोल जार में पानी डालें। इसमें ग्लिटर डालें। ढक्कन पर स्क्रू लगा दें। वाह, इस स्नो ग्लोब में बहुत सारे हाथ हैं। ज़ॉम्बी अब सम्मोहित हो गई है। अब वो शांति से पढ़ सकेगी।
बेनी, तुम मुझे सबसे ज्यादा जानते हो। शुक्रिया। आओ अपनी एलर्जी से लड़ें और गेम खेलें। ज़ॉम्बी पिंग पोंग के बारे में क्या ख्याल है? बढ़िया। और बॉल कहाँ है? रुको। बैम! मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। काले एक्रेलिक पेंट से कोट करें। ज़ॉम्बी के सिर की प्रिंटेड पिक्चर बिना आँख की सभी रैकेट्स पर बनाएं। लाल एक्रेलिक पेंट से ब्लड ट्रेसेस और फिंगरप्रिंट्स बनाएं। पिंग पोंग बॉल पर एक्रेलिक पेंट इस्तेमाल करके आँख का निशान बनाएं। आओ ज़ॉम्बी टूर्नामेंट खेलें। डील। ओह, काटो मत। रेडी, तुम सर्व करो। लेकिन क्लेमेंटाइना ने बहुत जोर से मारा। बॉल बहुत दूर जाकर गिरी बॉर्डर के पास। अच्छी गेम। ज़ॉम्बी को हारना पसंद नहीं। ए और जीरो, मैं जीत गई। और चुप रहो। क्या आपको ज़ॉम्बी स्ट्रेस रिलीवर पसंद आए? तो नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप अपने ज़ॉम्बी फ्रेंड्स को कैसे शांत करेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आप टूम टूम पर आने वाले ज़ॉम्बी आइडियाज को कभी मिस ना करें।